I'll be discovering 2019 some important current affairs. So I'll be discussing only those current affairs which are not easily reminding. So हम लोग मैं सिर्फ उन्हीं current affairs को लूँगी जो हमें अक्सर भूल जाते हैं और so I'll be starting. अब जैसे फर्स्ट देखते हैं हम रोजो फेडरर जो कि टेनिस का प्लेयर हैं, ठीक है, रोजो फेडरर, तो उनको ऑस्ट्रेलियन ओपन उन्होंने 2019 का जीता है. अब हमें पता है कि यूएस ओपन और विंबलडन के जो विनर हैं वो नोवाक जोकोविच है, ठीक है. बाकी रोजो फेडरर जो हैं उन्होंने 2019 ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है. 17th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया. 26 जन के बाद डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा रिपब्लिक डे मीन्स सेलिब्रेट किया गया, तो 70th रिपब्लिक से लिया. अगर हम 9th चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करते हैं उनका है, ओके, देन चीफ जस्टिस की जो बेंच है तो उसको उसके हेड जो है नालसा के हेड ए के सिकरी को बनाया गया है रंजन गोगोई जी ने. सो 1987 में नालसा की स्थापना की गई थी. अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है, आपको कमेंट बॉक्स में ये एक कमेंट करना है कि नालसा की फुल फॉर्म क्या है और जो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई हैं वो कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं इंडिया के, ठीक है. तो ये दो क्वेश्चन आपको रिप्लाई करने हैं. देन हम ये देखते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम जो है वो एक रेड फोर्ट दिल्ली में बनाया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा. दिल्ली में रेड फोर्ट में बनाया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम. और अगर हम अगर इसको सिनेमा म्यूजियम की बात करें तो वो मुंबई में बनाया गया है, इन मुंबई, ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो इंटरनेशनल इंडियन साइंस कांग्रेस जो है 106th सेरेमनी वो कहाँ हुई, वो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जलंधर में हुई थी और उसका थीम क्या था, फ्यूचर इंडिया. फ्यूचर इंडिया, बाकी जहाँ पे फ्यूचर टेक ऑन दैट फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी बहुत कुछ था, बहुत लंबा थीम है, लेकिन फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक और इन इस देख लेना इस चीज़ को, बट फ्यूचर इंडिया, फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी से शुरू होगा, ठीक है. सो दिस इज एन जस्ट क्विक रिविजन टाइप वीडियो, सो डोंट वरी, इस चीज़ को ऐसे मत लेना, डोंट टेक इट कैजुअली, इसको जस्ट रिवाइज करो. एंड आफ्टर दैट वासी अफ्रीका से वापस आए थे, तो 9 जन 1915 को वासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, नॉन रेजिडेंट डे जो मनाया जाता है, एनएसडे, ठीक है. तो हम ये कहते हैं कि इस बार कहाँ मनाया गया, वाराणसी में मनाया गया और इसमें जो चीफ गेस्ट थे वो मॉरिशियस के प्रेजाम था, मॉरिशियस के, ठीक है, मॉरिशियस के, साउथ ईस्ट एशिया में जो मॉरिशियस जो कंट्री आती है उसमें जो उनको चीफ गेस्ट बनाया गया था प्रवीण जगन्नाथ जी को. आगे हम बात करते हैं शेख हसीना जी की, उनका फोर्थ टर्म कंप्लीट मीन्स चल रहा है बांग्ला, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, तो फोर्थ टर्म उनका चल रहा है बांग्लादेश की. अब हम बात करते हैं कि पासपोर्ट इंडेक्स, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सबसे पावरफुल जो पासपोर्ट माना जाता था वो सिंगापुर का माना जाता था, लेकिन जापानीज पासपोर्ट प्रायोरिटी मिल रही है, जापानीज इन द फर्स्ट पोजीशन, ठीक है. लेकिन अगर पावरफुल में देखें हम तो सिंगापुर और नॉर्थ कोरिया है, और अगर इंडिया की बात करते हैं हम पासपोर्ट इंडेक्स में तो दैट इज इंडिया इज ऑन 79th पोजीशन. अगर आपके पास जापान होगा तो नंबर वन करना है पासपोर्ट के लिए, एंड अगर पावरफुल में बात की होगी तो सिंगापुर एंड नॉर्थ साउथ कोरिया, सॉरी, एंड इंडिया का रैंक ज़रूर प्लीज़ नोट कीजिए, 79th पोजीशन पे इंडिया है पासपोर्ट इंडेक्स में, जो पासपोर्ट इंडेक्स 2019 रिलीज़ हुआ है उसमें, ठीक है. विनेश फोगाट जो हैं उनको लॉरिस अवार्ड मिला है, ठीक है, जो एक रेसलर हैं, सॉरी वेट लिफ्टर हैं. प्लीज़ इस चीज़ को कंफर्म करके मुझे भी कमेंट में ये कर देना कि ये विनेश फोगाट जो है वो रेसलर हैं, वो वेट लिफ्टर, आई थिंक शी इज अ वेट लिफ्टर, विनेश फोगाट और रेसलर, देर इज अ कंफ्यूजन एक्चुअली, ओके आई विल कवर दिस इन नेक्स्ट वीडियो. सो विनेश फोगाट, ठीक है, विनेश फोगाट और उनको लॉरिस अवार्ड से सम्मानित किया गया है इस बार, और उनको कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता है इन्होंने और एशियन में सिल्वर जीता है, ओके. तो ये याद रखना है साथ साथ में कि सिल्वर विनर हैं एशियन में, एशियन गेम्स जो जकार्ता इंडोनेशिया पालमबर्ग में हुई थी, एंड जो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ हुई थी उसमें गोल्ड विनर हैं, और लॉरिस अवार्ड भी एकमात्र खिलाड़ी हैं भारत की जिनको इस बार लॉरिस अवार्ड से सम्मानित किया गया है.
देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विक्रम साराभाई सेंटर जो है, रिसर्च सेंटर जो है, उसके हेड बनाए गए हैं सोमनाथ जी, ठीक है। और अगर हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात करें कि मीन्स ये क्या चीज़ रिलीज करते हैं रिपोर्ट की, विच इज़ द लीस्ट करप्ट, अच्छी जो कहते हैं कंट्री कौन सी है इंडिया में, सॉरी वर्ल्ड में, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें, तो अगर हम ये देखते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में, तो इसमें इंडिया का रैंक जो है दैट इज़ ऑन 81th पोजीशन, ठीक है। तो इंडिया का रैंक जो है वो, और न्यूजीलैंड को सबसे ऑनेस्ट और यू कैन से मीन्स ट्रांसपेरेंट कंट्री माना जाता है, लीस्ट करप्ट कंट्री माना जाता है। उसके बाद शायद शायद डेनमार्क का नाम आता है आई गेस, एंड देन फिनलैंड, हाँ ये देख लीजिएगा। बट न्यूजीलैंड इज़ द मोस्ट ट्रांसपेरेंट कंट्री और लीस्ट करप्ट कंट्री, और इंडिया का रैंक जो है दैट इज़ 81। सो एक क्विक सी चीज़ है, हम देखते हैं कि इंडियाज़ रैंक इज़ ऑन 81, ठीक है, और पासपोर्ट के में इंडिया का रैंक इज़ ऑन 79। सो बाकी आपके जो दो तीन क्वेश्चंस मैंने आपको दिए, प्लीज़ इनको कमेंट कीजिए। थैंक यू।